भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की ये तुगलकी फरमान है कि इस तरह के तुगलकी फरमान लोकतंत्र है, लोकतंत्र सहमति के आधार पर चलती है, फरमान है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है, इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के काबिल नहीं है? क्या उनमें क्षमता नहीं है? क्या पहला चीज देखिये, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाना ये उनकी पुरानी आदतें हैं। बल्कि राहुल गांधी जी देश में हर कोने कोने जाकर देश की जनता की हर मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाना, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी पर आरोप लगाना इनको शोभा नहीं देता है। सर, कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, सावन चालू होने वाला है, इसको लेके भी कॉन्ट्रोवर्सी चालू होगी कि जो भी उस रूट पे दुकानें होंगी उसमें आपको नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की ये तुगलकी फरमान है, किसकी निजी दुकान पर इस तरह के तुगलकी फरमान, लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हीं के अलायंस के भी पार्टनर है, जेडीयू है, नीतीश कुमार है, अब चिराग पासवान भी इसका अपोज कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ लीडर भी इसको। सवाल ही नहीं है कि इस तरह के तुगलकी फरमान लोकतंत्र है, लोकतंत्र सहमति के आधार पर चलती है, सरकार विचारों के आधार पर चलती है, सहमति के आधार पर चलती है, सलाह के आधार पर चलती है, लेकिन किसी व्यक्तिगत विचार को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनन करना क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट देकर रखेंगे क्या? तो इस तरह के फरमान, मैंने कहा लोकतंत्र में एक तुगलकी फरमान है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है, इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। सर, असेंबली सेशन चालू होने वाला है स्टेट का, असेंबली सेशन चालू होने वाला है स्टेट का, उसे घेराव भी करने वाले हैं। बिल्कुल, विधानसभा का सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाली है, 5 दिन की मानसून सत्र, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक LOP लीडर माने महंत जी ने आहूत किया गया है, कल विशेष रणनीति बनेगी और इस समय कांग्रेस एक बड़े बड़े मुद्दों के साथ सदन के अंदर और सड़क में दोनों लड़ाई इस समय कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार खिलाफ लड़ेगी।